लगभग 70% या 60% बॉडी फ्रेश है। और लेज टेल देखिए, इसका टेल पूरा ही पूरा ब्लैक है। लकड़ी जलते हैं, सभी उसके ऐश वो खा रहा है। उम्दा नर है, बहुत उम्दा नर। गाइस, दिस इज सैमी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो अभी मैं इस वीडियो में मेरे जो फ्रेश कल्दमा है और उसका जो प्रोडक्शन है इस सीजन में, वो सब दिखाएंगे। और कल्दमा बहुत ही एक अच्छे ब्रीड है फैंसी पिजन बूस्टर के लिए। हमने इस सीजन में फैंसी पिजन नहीं उठाया है, इसलिए कल्दमा ही ब्रीड भी है। सो सभी बच्चे को हम दिखाएंगे। अभी देख लीजिए मेरे पास कैसे कैसे कल्दमा है। सो गाइस, अभी मेरे सब प्यार को खिलाएंगे। अब देख लेना कि कल्दमा मेरा कैसा फ्रेश है। सभी एडल्ट है, दो प्यार बिल्कुल एडल्ट है और एक नर है एडल्ट। हमने सेल नहीं किया है, वो भी ब्रीड करके रखे हुए हैं। उसको हम डील टीम चाल चाल के निकलते हैं। सो अभी देखना कि मेरा प्यार कैसा कैसा फ्रेश प्यार है मेरे पास कल्दमा की। सो सभी का बच्चा वो लोग ही है, तो आप देख लेना। सो गाइस, इस नर को देखिए कितना फ्रेश है। मादी को देखिए कितना फ्रेश है, वो देखिए उम्दा नर है, बहुत उम्दा नर। तो जो बच्चे उठ रहे हैं घर में वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी बिल्कुल भी बच्चा है। और वहां पर दो है। मैंने सिर्फ दो प्यार एडल्ट फ्रेश कल्दमा का ही ब्रीड निकाले हैं सब। ये बच्चे और ये पट्टे और ये सेमी एडल्ट जो भी है मेरे घर का ब्रीड है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो बेबी मेरे घर में उठ रहा है अभी। सो ये सभी एक सर्टेन एज के बाद, सेकेंड मोल्टिंग के बाद फुल फ्रेश हो जाएगा। अभी फर्स्ट मोल्टिंग के बाद एक पेयर थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो गया है और सेकेंड मोल्टिंग के बाद ये लोग पूरा ही पूरा फ्रेश हो जाएगा। ये एडल्ट पेरेंट्स के तरह दिखने लगेंगे। और मैं इसको फ्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि मैं फैंसी ब्रीडर हूँ। सो इसलिए इस सीज़न में कल्दमा का डिमांड है, इसलिए हमने कल्दमा रेस किया। सभी देख पा रहे हैं कि सभी बच्चों का हेल्थ और सभी बच्चों का जो चौड़ाई है बहुत ही बड़ा है। चलो हम आपको एक पेयर दिखाते हैं। सो गाइस देखिए, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये अभी फ्रेश हो, ये फीमेल है। ये फुल ब्लैक हो जाएगा, इसका टेल फुल यहाँ से यहाँ तक फुल ब्लैक हो जाएगा। अभी बॉडी तो थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो गया है, मतलब इसका 90% बॉडी फ्रेश हो गया है और अभी बॉडी में थोड़ा कुछ बाकी है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके साथ जो नर था एक साथ उठे थे वो ये है। इसका लगभग 70% या 60% बॉडी फ्रेश है। और लेज टेल देखिए, इसका टेल पूरा ही पूरा ब्लैक है। तो मेरा सभी कल्दमा बच्चा पहले ये गुल रहता है बॉडी में, फिर सब पूरा का पूरा फ्रेश हो जाता है। ये सिंगल नर उठाता, इसका भी टेल देखिए, ये सब पूरा ही पूरा यहाँ से लेकर रूम तक पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। इसका बॉडी फ्रेश हो रहा है, ये अभी मोल्टिंग में है, तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो गाइस, ये रहे मेरे पिछले बच्चे। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो छोड़ा, वो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं। ये उसका साथ पेयर का, ये देखिए टेल, बॉडी देखिए। तो गाइस, ये अभी बच्चे हैं, इसका कुछ भी नहीं स्टार्ट किए है, ये आई भी नहीं क्लियर हुए हैं इसके। ये वाला उसके साथ का है, देख सकते हैं। सब लोग देख सकते हैं कि मेरा सभी पिजन वो जो ऐश है
मेरे यहाँ पे जो वुड लकड़ी जलते हैं सभी उसके ऐश वो खा रहा है, इसके वजह से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा पिजन का। सो वो नेचुरल तरीके से खा रहा है इसलिए हम नहीं रोकते, देख सकते हैं। ये वीडियो यही तक, अगर आप सभी को मेरे कल्दोमा खरीदने हैं या फिर मेरे पास से चेक ऑर्डर करने हैं तो आप मेरे फेसबुक आईडी में चेक कर सकते हैं, सीमंतो चोपड़ा बट्टी से। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक